आम जनता पर महंगाई की मार। फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। महंगाई की मार झेल रही जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। खाद्य पदार्थों से लेकर तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानियों में कई गुना इजाफा किया है और अब गाड़ी में सफर करना महंगा हो गया है। एक तरफ जहां पिछले 45 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएनजी लगातार रुला रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले 6 दिनों के भीतर ही सीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 21 मई की सुबह 6 बजे से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें बढ़ने के साथ सीएनजी की कीमत अब दिल्ली में 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम और नोएडा में 78.17 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं गाजियाबाद और गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी 83.94 रुपए में मिल रही है। बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 महीने से ज्यादा समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपए प्रति लीटर पर जबकि डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर बिका। नोएडा की बात करें तो यहां शनिवार को 1 लीटर पेट्रोल 105.47 रुपए और डीजल 97.03 रुपए प्रति लीटर में बिका है। सीएनजी के बढ़े हुए दामों का असर टैक्सी और कैब सर्विस पर साफ देखने को मिल रहा है। जब से सीएनजी के दामों ने आसमान छूना शुरू किया है तब से ओला और उबर जैसी कैब सर्विस की राइड बहुत महंगी हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।